एक चीज पर आप लोग विचार कीजिए कि हमारा जो मोबाइल चार्ज होता है तो ये अपने आप चार्जिंग रुक जाती है, या हम बिजली से उस चार्जर को लगाते हैं। जैसे कि मेरे पास में ये चार्जर है, देखिएगा मैं दिखा दूँ, ये मेरे पास में चार्जर है, इसको मैं बिजली के बोर्ड में लगाता हूँ और इसको मोबाइल में लगाता हूँ, तो इससे बिजली तो बहुत पावरफुल होती है, तो ये मोबाइल फटता क्यों नहीं है, आखिर ये क्यों? तो आपके दिमाग में आ रहा होगा इसमें कुछ ना कुछ ऐसी चीज लगी हुई है। ऐसे ही मोबाइल ले लो, लैपटॉप ले लो, या कोई भी टीवी ले लो, या सीडी डीवीडी प्लेयर, रेडियो, कोई भी चीज, एक्स वाई जेड, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण हैं उन सभी में ये चीज कॉमन होती है। तो ऐसा उसमें क्या चीज लगी होती है? इसमें लगा होता है वैद्युत प्रतिरोध, जिसको हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं रजिस्टर। क्या होता है? रजिस्टर, रजिस्टर्स लगे होते हैं इसमें, एक नहीं बहुत सारे, जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहे होंगे। देखिए डिस्प्ले पर बहुत सारी ये प्लेटें आ रही होंगी, इसमें छोटे छोटे इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं, ये सारे रजिस्टर्स होते हैं। ये दिखाई दे रहे हैं आपको डिस्प्ले पर, यही रजिस्टर्स होते हैं। अब देखिएगा इनका काम क्या होता है भाई, इनका काम होता है वैद्युत धारा के मार्ग में रुकावट डालना। यानी कि जैसे कि अब हमारे हमको 5 वोल्ट की आवश्यकता है, तो और आ रही है सामने से, यानी स्रोत से हमको 10 वोल्ट मिल रहा है, तो हमको 5 वोल्ट एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो हम वहां पर एक ऐसा रजिस्टर लगाएंगे जो 5 वोल्ट को अपने अंदर अवशोषित कर ले, यानी कि 5 वोल्ट में रुकावट डाल सके, ठीक है। और होता क्या है, जब कभी भी चार्जर आपका फूक जाए तो उस कंडीशन में क्या होता है, उस कंडीशन में होता है कि जैसे कि जो रजिस्टर उसमें लगा हुआ है उससे ज्यादा यदि उसमें वोल्टेज सप्लाई या करंट उसमें ज्यादा फ्लो हो जाता है तो फूक जाता है। जैसे कि मैं बात करूं, एक बच्चा है और उससे आप लड़ोगे तो वो आपको नहीं रोक पाएगा, लेकिन एक पहलवान वो आपको रोक पाएगा, तो उसको रोकने की क्षमता अलग अलग होती है। ऐसी हर रजिस्टर की अपने आप में अलग अलग क्षमता होती है रोकने की, वैद्युत धारा में रुकावट डालने की। यदि उससे ज्यादा वैद्युत धारा हो जाएगी तो वो आपका रजिस्टर फूक जाएगा, यानी रजिस्टर आपका खराब हो जाएगा, उससे आपका वैद्युत उपकरण भी खराब हो सकता है या वो काम करना बंद कर देता है, राइट। तो इसी के बारे में डिस्कस करेंगे, वैद्युत प्रतिरोध होता क्या है, साइंस की भाषा में इसकी क्या परिभाषा होती है, क्या इसका मात्रक, विभवीय सूत्र वगैरह सारा चीज डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और आपको बहुत ही मजा आने वाला है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और जो भी आपको समझ में ना आए उसका डाउट कमेंट जरूर कीजिएगा, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं, चीजों को सीखेंगे बहुत ही प्यार से। वैद्युत प्रतिरोध क्या होता है, रेजिस्टेंस, ठीक है, रजिस्टर क्या होता है, आप आगे पढ़ोगे। आपने देखा होगा जैसे मोबाइल है, यानी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस आप देखोगे, कोई भी, चाहे वो टीवी है, लैपटॉप है, एलसीडी है, या मोबाइल है, कोई भी चीज जिसमें यानी वैद्युत परिपथ कोई भी है, उसमें हमेशा याद रखिएगा सभी में वैद्युत प्रतिरोध पाया जाता है। सिंपल सी बात यह है। तो आखिर ये होता क्या है, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले। वैद्युत प्रतिरोध के बेसिकली मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझाऊं। वैद्युत प्रतिरोध को समझने के लिए आपको मैंने देखिएगा क्या चीज बनाई, 3 चीज दिखाई दे रही है आपको। ये एक बल्ब है, ये आपका एक बल्ब हो गया, ये आपका तार हो गया, ये भी आपका तार है, लेकिन ये तार आपका 1000 मीटर है और ये तार आपका 1 मीटर है। बल्ब आपके पास में एक ही है और ये आपकी बैटरी है, मान लीजिए 5 वोल्ट की एक बैटरी है, छोटी बैटरी है, एक सेल मान लीजिए या एक बैटरी मान लीजिए। अब मुझे आप बताइए, यदि मैं इस तार का यूज करूं, इस तार का यूज करूं, तो ये बल्ब इस बैटरी से इस बल्ब को जलाया जाता है और ये बल्ब 5 मिनट तक चलता है, यानी 5 मिनट तक तो ये जलता है, 5 मिनट के बाद में ये बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। तो अब आप अपने दिमाग में सोच के बताओ, यदि मैं 1000 मीटर, यहाँ पे ये छोटा सा तार लिया है 1 मीटर का, यहाँ पे मैं 1000 मीटर या 10000 मीटर का तार लूं, तब क्या ये बल्ब 5 मिनट ही जलेगा इसी बैटरी से? बैटरी और बल्ब को मैं चेंज ना करूं, केवल तार को चेंज कर दूं, तार 1 मीटर की जगह पर मैं 1000 मीटर का तार लूं, तो क्या ये 5 मिनट जलेगा बल्ब? क्या ये बैटरी 5 मिनट तक चलेगी? नहीं, ये 5 मिनट से पहले, हो सकता है 1 मिनट या 1.5 मिनट या आधा मिनट में ये डिस्चार्ज हो जाए। क्यों? क्योंकि तार की लेंथ मैंने बढ़ा दी। तो इसका मतलब क्या है कि ये करंट गया कहाँ, वैद्युत धारा गई कहाँ, ये इस तार के अंदर स्टोर हो गई या तार के अंदर रुक गई। तो कुल मिलाकर बात क्या होगी, ये रुकावट, यानी तार का जो पदार्थ है या तार की जो लंबाई है, ये वैद्युत धारा के मार्ग में एक रुकावट डालती है, यानी कि ये अवरोध उत्पन्न करती है। तो
यही चीज होती है वैद्युत प्रतिरोध, यानी कि वैद्युत धारा के मार्ग में डाली गई रुकावट। प्रतिरोध का मतलब ही होता है रुकावट, यानी कि प्रतिरोध का मतलब क्या है, जैसे कोई आदमी जा रहा है उसे सामने से कोई रोक दे तो मतलब क्या है रुकावट, यानी प्रतिरोध, उसके चल रहा था तो उसमें प्रतिरोध, बाधा। सिंपल सी बात का मतलब समझो बाधा है, क्या है प्रतिरोध का मतलब हिंदी में बाधा, सिंपल सी बात है। तो वैद्युत प्रतिरोध यानी कि वैद्युत धारा के मार्ग में डाली गई रुकावट को हम वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। चलिएगा, चलो ये तो आपकी नॉर्मल बात हुई, लेकिन हम फिजिक्स में किस तरीके से पढ़ के नहीं हम इसको बताएंगे, देखिएगा। हम बताएंगे कि भैया जब, देखिएगा, जब कोई चालक होता है, ये कोई चालक है ऐसे समझ लीजिए चालक, और इसको यदि मैं, ये कोई चालक है और इसको एक बैटरी से जोड़कर मैं इस पर विभव लगा दूं, बैटरी से जोड़कर इस पर विभव लगा दूं, तो इसमें क्या होगी, धारा बहने लगेगी। तो हमने इस पर 20 वोल्ट का विभवांतर लगाया है, तो इसका मतलब ये है कि जब किसी चालक को बैटरी से जोड़कर विभव स्थापित करते हैं या चालक के सिरों पर विभव लगाते हैं तो उसमें धारा बहने लगती है, तब विभव तथा या विभवांतर तथा उस धारा के अनुपात को हम क्या कहते हैं, वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। समझ में आ गई बात, क्या है वैद्युत प्रतिरोध, क्या होता है, जब किसी चालक के सिरों पर विभव विभवांतर आरोपित करते हैं तो उस चालक में धारा बहने लगती है, तब इस विभवांतर तथा इस बहने वाली धारा, चालक पर लगाए गए विभवांतर तथा चालक में बहने वाली धारा के अनुपात को हम वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं, इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। समझ में आ गई बात, वैद्युत प्रतिरोध को आर से प्रदर्शित करते हैं, ये हो गया। यहीं से आपका, क्योंकि R बराबर क्या है आपका V अपॉन I हो जाएगा, यहीं से चीजें आपकी निकल कर आती हैं कि भैया R का मात्रक क्या हो जाएगा, इसका मात्रक, मात्रक हो जाएगा इसका V, V का मात्रक क्या है, V विभवांतर, विभवांतर का मात्रक क्या होता है वोल्ट, और I, I क्या है आपका धारा, धारा का मात्रक क्या होता है एम्पियर, तो इसका मात्रक बन जाएगा वोल्ट प्रति एम्पियर, या हम इसको एक नया नाम देते हैं ओम, क्योंकि इसकी खोज ओम ने की थी, ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा ओम, और ओम को हम एक ग्रीक भाषा के शब्द से भी प्रदर्शित करते हैं जिसका नाम होता है ओमेगा, इसको हम ओम ही बोलते हैं, ओम का ये सिंबल है, वैसे ये होता क्या है ओमेगा, ठीक है, इसको ओम से प्रदर्शित करते हैं इसका मात्रक, ठीक है। कभी कभी आ जाता है कि एक ओम की परिभाषा बताओ, तो कुल मिलाकर बात ये हो गया कि भैया ओम किसके बराबर है, वोल्ट प्रति एम्पियर, इसके बराबर है ओम, ये वाली चीज को ही तो हम ओम बोल रहे हैं, तो ओम बराबर एक, यहाँ पर मैं एक लगा दूं, यहाँ पर एक लगा दूं, यहाँ पर एक लगा दूं, तो मतलब क्या कि जब किसी चालक के, किसी भी चालक के सिरों पर एक वोल्ट का विभव देने से यदि उस चालक में एक एम्पियर की धारा उत्पन्न हो तब हम उस चालक के प्रतिरोध को एक ओम कहते हैं, या उस चालक का प्रतिरोध एक ओम होगा, यानी कोई एक ऐसा चालक है जिस पर हम एक वोल्ट का विभवांतर दें तो इसमें एक एम्पियर की यदि धारा बहेगी तब हम कहेंगे कि इस चालक का प्रतिरोध का जो मान है वो एक ओम होगा। समझ में आ गई, नोट्सों में सारी परिभाषाएं लिखी हुई हैं, ठीक है। इसका विमीय सूत्र भी देख लीजिए, विमा जरूर आ जाती है क्योंकि ये टिक मार्क प्रश्न बन जाते हैं यहाँ से। विमीय सूत्र क्या रहेगा भाई, अब देखिएगा, पहली चीज यहाँ से समझिएगा, विमीय सूत्र हम आपको बता दें, देखिए ये एम, इसका ये विमीय सूत्र कैसे बनेगा, V का विमा लिख दो, नीचे I की विमा लिख दो, V, V यानी कि विभव, विभवांतर, विभवांतर की विमीय सूत्र क्या होता है एम एल, एम एल स्क्वायर टी माइनस टी ए माइनस ए, ये होता है। नीचे यहाँ पर ए किसकी आ जाएगी, ये I की आ जाएगी, ये इन दोनों की मैंने विमीय सूत्र लिख दिया, तो ए इसका आर का विमीय सूत्र क्या बनेगा, एम एल स्क्वायर टी माइनस टी ए माइनस दो, ये आ जाएगा, क्योंकि ये ऊपर चला जाएगा माइनस का एक पहले से, तो ये ठीक है, कुल मिलाकर ये हो गया। ये कैसे निकाला विमीय सूत्र, जो सूत्र है ये विभवांतर है, विभवांतर का विमीय सूत्र लग गया नीचे, आई आई का विमीय सूत्र ए, सीधी सीधी बात, इसको सॉल्व करेंगे एम एल स्क्वायर टी माइनस तीन ए माइनस दो आ गया। ये राशि कैसा होता है भाई, राशि वैद्युत प्रतिरोध की राशि कैसी है, ये अदिश राशि है, कैसी राशि होती है, ये अदिश राशि होती है। चलिएगा, तो वैद्युत प्रतिरोध आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। किसी भी प्रतिरोध, यानी देखिए वैद्युत प्रतिरोध अपने आप में रुकावट तो सही बात है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कुछ रुकावटें हमें फायदा कर देती हैं, जैसे
आपका कोई भी ट्रांजिस्टर यानी कोई भी आपका वैद्युत परिपथ हो और वहां पर हमको मान लीजिए कि थोड़ी धारा की आवश्यकता और धारा है ज्यादा, तो वहां पर हम क्या कर देते हैं, रजिस्टर लगा देते हैं। रजिस्टर मतलब वैद्युत प्रतिरोध लगा देते हैं उसमें। आपने बहुत सारे वैद्युत प्रतिरोध देखे होंगे, जैसे कि आपको डिस्प्ले पर दिखाई दे रहा है। कुछ वैद्युत प्रतिरोध ऐसे होते हैं फिक्स्ड, उनका जो प्रतिबाधा होती है वो कितना रुकावट उत्पन्न करेंगे उनकी फिक्स रहती है। कुछ वैद्युत प्रतिरोध वेरिएबल रहते हैं, जिनके हम प्रतिरोध को वेरी कर सकते हैं कि हमको जितनी आवश्यकता है उतना, ठीक है, उतना हम एडजस्ट कर सकते हैं उसकी प्रतिरोध की, उसकी प्रतिबाधा को यानी उसकी रुकावट को। तो कहीं कहीं पर जैसे कि मोबाइल चार्ज करना है तो डायरेक्टली हम चार्जिंग लगा देते हैं मोबाइल में, तो जितनी मोबाइल को आवश्यकता है उतनी ही उसमें क्वांटिटी जाए, यानी कि आवेश उसमें उतना ही संचित हो या उतना ही आवेश जाए, तो उसके लिए उसमें रजिस्टर लगे होते हैं, ट्रांजिस्टर लगे होते हैं। ये सारी चीज़ें बीएससी में आपको मिलेगी देखने के लिए। आई होप आप समझ पा रहे होंगे, बीएससी में आपको सारा कुछ समझाया जाएगा। फिलहाल आप इतना ही समझिए, इंटर लेवल तक इतना ही है, ठीक है। चलिएगा यहाँ से आगे की बात करते हैं। अब हम सीधे सीधे वैद्युत प्रतिरोध आप सीख गए, वैद्युत प्रतिरोध आपको समझ में आ गया कि भैया आर बराबर क्या होता है, वी अपॉन आई होता है। अब आता है वैद्युत चालकता। वैद्युत चालकता अपने आप में कुछ नहीं है, सीधी सीधी बात देखिएगा, वैद्युत चालकता, वैद्युत चालकता यानी वन अपॉन वैद्युत प्रतिरोध, सिंपल सी बात इतना। मतलब क्या है, वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकता कहते हैं, इसके व्युत्क्रम को, यानी व्युत्क्रम यानी उल्टे, ठीक है, अपोजिट नीचे आ गया, ठीक है। तो वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकता कहते हैं, सिंपल सी बात है। यही से इसका सूत्र क्या बन जाएगा, वन अपॉन वैद्युत प्रतिरोध का सूत्र वन अपॉन आर हो जाएगा, वन अपॉन आर की जगह वी अपॉन आई लिख देंगे, आई ऊपर पहुंच जाएगा तो यानी आई अपॉन वी हो जाएगा। इसके मात्रक की हम बात करेंगे, मात्रक की वैद्युत चालकता का मात्रक क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा देखिए आई का मात्रक एम्पियर, एम्पियर प्रति, और ये क्या हो जाएगा आपका वोल्ट, एम्पियर प्रति वोल्ट हो जाएगा, या हम इसको ओम इनवर्स भी कह सकते हैं, ओम इनवर्स भी बोल सकते हैं, या एक और नाम होता है इसका सीमेंज, क्या होता है सीमेंज भी इसका नाम होता है, सीमेंज के नाम से भी इसको जानते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। विमीय सूत्र हम इसका क्या बना देंगे, देखिएगा इसका विमीय सूत्र क्या था, एम एल स्क्वायर टी माइनस तीन ए माइनस दो था इसका विमीय सूत्र। तो ऐसे ही इसका विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, एम माइनस वन, यानी कि एम माइनस वन एल माइनस दो, इसकी घातें चेंज हो जाएंगी, ये माइनस का, ये माइनस का, ये प्लस का तीन हो जाएगा, ये यहाँ पे प्लस का ए हो जाएगा, दो हो जाएगा, ये इसका विमीय सूत्र बन गया। राशि ये भी अदिश राशि है, जल्दी से इसको कर लीजिए, बहुत जल्दी इसको कर लीजिए, ठीक है। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया, चलिए यहाँ तक को कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ के बाद में आप देखिएगा विशिष्ट प्रतिरोध, आप ये प्रतिरोध की एक विशिष्ट कंडीशन होती है। अब ये चीज हम सीख गए, ये चीज सीख गए, अब इस पर आ जाते हैं ये क्या बना है। विशिष्ट प्रतिरोध यानी कि एक विशिष्ट कंडीशन होती है, एक विशेष प्रकार का प्रतिरोध होता है। क्या, जब हम किसी, देखिए यहां से चीजों को सीखिएगा, जब किसी चालक में हम, ये आपका चालक है, सिंपल सी बात है, जब किसी चालक में हम क्या करते हैं, विभव स्थापित करते हैं, यानी चालक के सिरों पर विभवांतर लगाते हैं, तो इसमें क्या बनने लगती है, धारा बहने लगती है, सिंपल सी बात है। तब हम क्या कहते हैं, ध्यान से समझिएगा चीजों को, तब इसमें जब मान लीजिए धारा बहेगी, तो इसका मतलब क्या है कि इसमें इस चालक के प्रत्येक बिंदु पर कुछ ना कुछ वैद्युत क्षेत्र भी होगा, ये हमने पहले बताया था ना, ठीक है। और ये माना कि ये एल लंबाई का चालक है, चालक की लंबाई कितनी है, एल है। अब ध्यान से समझिएगा, ये पुराने वाले जितने भी अब तक वीडियो बताई है उनमें मैंने बताया था, इस टाइप के चालक बनाए थे बहुत सारे, आपको पता है ये इस तरीके के, ये आपके इलेक्ट्रॉन है, और इनको यदि मैं एक तार से जोड़ दूंगा तो ये इलेक्ट्रॉन इस तरीके से गमन करने लगेंगे इधर, ठीक है, इस तरीके से। इस चालक की लंबाई L है, तो भैया इसमें क्या होगा, ये V विभवांतर है, इसमें ये धारा बहेगी, धारा बहेगी तो क्या होगा, इसमें इसके प्रत्येक बिंदु पर धारा घनत्व भी होगा, वैद्युत क्षेत्र भी होगा, समझ में आ रही है बात। तब तो यहाँ से क्या है, जब किसी चालक के सिरों पर हम विभवांतर लगाते हैं तो उसमें धारा बहने लगती है, तब इस चालक, चालक के किसी बिंदु पर, चालक के भीतर किसी बिंदु पर, चालक के भीतर, मैं इस बिंदु की बात कर रहा हूं, चालक के भीतर किसी बिंदु पर, चालक के भीतर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा धारा घनत्व के अनुपात को हम उस बिंदु पर
उस बिंदु पर विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं इसको रो, क्या रो, यानी आर एच ओ रो, रो से प्रदर्शित करते हैं। क्या बोला है, जब किसी चालक में धारा है, जब किसी चालक में विभवांतर, चालक के सिरों पर विभवांतर लगाते हैं या विभवांतर आरोपित करते हैं तो चालक में एक धारा बहने लगती है। ये तो आपको पता है, जब हम इसको बैटरी से जोड़ देंगे तो इसमें धारा बहेगी, धारा बहेगी तो इस चालक के भीतर कोई भी एक बिंदु ले लिया तो इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा इसी बिंदु पर धारा घनत्व, ये क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और ये क्या है, ये है आपका धारा घनत्व, धारा घनत्व। तो चालक के भीतर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा उस बिंदु के धारा घनत्व के अनुपात को उस चालक का क्या कहते हैं, वैद्युत विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, अब रो का एक फॉर्मूला भी बन जाएगा, देखिएगा, रो बराबर ई बराबर आप जानते हो वी अपॉन एल होता है, और जब चालक की लंबाई L है और इस पर लगाए गए विभवांतर V है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर V अपॉन L हो गया। J धारा घनत्व बराबर क्या होता है, जब इसमें I धारा बह रही है और इस बिंदु का जो क्षेत्रफल A है तो ये आ जाएगा, तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें और इसकी मल्टीप्लाई इसमें, तो रो बराबर क्या हो जाएगा, वी इंटू ए अपॉन आई इंटू एल, आई की मल्टीप्लाई एल में हो जाएगी, ए की मल्टीप्लाई वी में हो जाएगी। ठीक है, आप ये चीज जानते हो क्या कि v अपॉन आई, यहाँ पर बताया था r बराबर क्या होता है v अपॉन आई, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रो बराबर ये हो जाएगा आपका r, v अपॉन आई को r बोलेंगे और ये आपका a बट्टे l जो कहते हैं ये आ जाएगा, ये आपका विशिष्ट प्रतिरोध, यही है आपका विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध, इसका एक परिभाषा और बनेगी इसकी और सिंपल सी, विशिष्ट प्रतिरोध, ये हो गया। इस सूत्र से हमको क्या पता चल रहा है, इस सूत्र से हमको ये पता चल रहा है, विशिष्ट प्रतिरोध किसी चालक की लंबाई और उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल कितना मोटा है उस पर निर्भर करता है, सिंपल सी बात है। जिस चालक का ये वाला यानी अनुप्रस्थ क्षेत्रफल जितना ज्यादा होगा उसका प्रतिरोध, उसका विशिष्ट प्रतिरोध भी उतना ही ज्यादा होगा। जिस चालक की लंबाई जितनी ज्यादा होगी, लंबाई ज्यादा होने पर ये विशिष्ट प्रतिरोध का मान कम होता है, ये चीज आप समझ लीजिएगा। ठीक है, यहीं से हम एक परिभाषा भी बना सकते हैं, इसको समीकरण एक मान लो। अब यहाँ पर मैं यदि ए का मान मैं एक मीटर स्क्वेयर ले लूं और एल बराबर एक मीटर ले लूं तो रो बराबर क्या हो जाएगा, रो बराबर आर आ जाएगा। रो का मतलब क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध, और ये क्या है, वैद्युत प्रतिरोध, ये क्या है आपका, वैद्युत प्रतिरोध है। तो यहाँ से एक परिभाषा भी बन सकती है, क्या बन सकती है कि एक एक मीटर लंबे चालक, यानी कि एक मीटर लंबाई कह दी और एक मीटर स्क्वेयर इसका क्या कह दिया, क्षेत्रफल कह दिया, तो एक मीटर लंबे चालक तथा एक मीटर स्क्वेयर अनुप्रस्थ क्षेत्रफल वाले चालक का जितना वैद्युत प्रतिरोध होता है वही उसके विशिष्ट प्रतिरोध के बराबर होता है। समझ में आ गई बात, हमने क्या कहा कि भैया इसका जो क्षेत्रफल है, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल एक मीटर स्क्वेयर ले लिया और लंबाई आपकी एक मीटर ले ली, तब हमारा जो विशिष्ट प्रतिरोध है उसके वैद्युत प्रतिरोध के बराबर हो गया। तो इससे ये जाहिर होता है कि एक मीटर लंबे चालक और एक मीटर स्क्वेयर वाले, एक मीटर अनुप्रस्थ क्षेत्रफल वाले चालक का जितना वैद्युत प्रतिरोध होगा वही विशिष्ट प्रतिरोध के बराबर होता है, यही परिभाषा आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, चलिएगा, यहाँ तक समझ में आ गया, चलिएगा अब यहाँ से देखिएगा कुछ चीजें भी बन जाएंगी, यहीं से इसका सूत्र वगैरह विमा वगैरह भी बना दे रहे हैं, देखिएगा यहाँ से देखिएगा। अब इसका विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध का सूत्र क्या हो गया, रो बराबर क्या हो जाएगा, ये रो बराबर हो गया आर ए अपॉन एल। इसका मात्रक क्या बन जाएगा, मात्रक देखिए आर का मात्रक क्या होता है, ओम। ठीक है, और इसका मात्रक क्या है, इसका मात्रक ए, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वेयर, इसका मात्रक मीटर, तो मीटर से मीटर कट जाएगा तो क्या बचेगा, सीधे सीधे ओम मीटर, ओम मीटर इसका मात्रक हो गया। इसका विमीय सूत्र बनाएंगे, विमीय सूत्र किस तरीके से बनेगा, देखिए
आर का विमीय सूत्र क्या था, एम एल स्क्वायर टी माइनस तीन ए माइनस दो, ठीक है, इनटू अब ये ए का विमीय सूत्र यानी एल स्क्वायर अपॉन नीचे ये लंबाई, लंबाई का एल आ जाएगा, एल से एक एल कट जाएगा, एक एल बचेगा, एक एल इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो क्या आ जाएगा विमीय सूत्र, एम एल की घात तीन, टी की घात तीन, ए की घात माइनस दो, ये इसका विमीय सूत्र बन गया। विशिष्ट प्रतिरोध का ये आपका क्या बन जाएगा, विमीय सूत्र बन जाएगा, समझ में आ गई बात। ये वाला आपका विशिष्ट प्रतिरोध का विमीय सूत्र आपका बन जाएगा। कहीं पर हम मिस्टेक तो नहीं कर रहे हैं, एक सेकंड, हाँ चलिए ठीक है, ये इसका भी विशिष्ट प्रतिरोध बन गया, ठीक है, चलिएगा। ओके, यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं आई। चलिए यहाँ के बाद में आपका विशिष्ट चालक था, जिस तरह से विशिष्ट वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकता कहते हैं, उसी तरीके से विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। क्या कही, तो भैया इसको से सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं और ये हो जाए वन अपॉन रो, यानी कि ये आपका विशिष्ट विशिष्ट प्रतिरोध हो गया और ये आपकी विशिष्ट चालकता, तो विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं, ठीक है, चलिएगा। इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक बन जाएगा ओम, इसका मात्रक बन जाएगा आपका ओम, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, या हम इसको महो भी बोलते हैं, एम एच ओ महो भी बोलते हैं, ठीक है, चलिएगा, याद रखिएगा ये चीज, ठीक है। और इसका विमीय सूत्र, विमीय सूत्र, इसका भी विमीय सूत्र याद रखिएगा, इसका उल्टा कर देंगे, एम माइनस एक, एल माइनस तीन, ए की घात तीन, ए की घात दो, ये इसका विमीय सूत्र आ जाएगा, ठीक है, चलिएगा। यहाँ से कभी कभी एक छोटा सा डेरिवेशन टाइप का पूछ लेता है कि धारा तथा विशिष्ट चालकता में संबंध बताओ, ठीक है, चलिए यहाँ तक कर लीजिए बहुत जल्दी, यहाँ तक सब कुछ समझ में आ रहा होगा, यहाँ के बाद में ठीक है देखिएगा क्या है, धारा तथा विशिष्ट चालकता में संबंध क्या है, देखिए आप नॉर्मली आप सिंपल सी बात है, विशिष्ट चालकता का फॉर्मूला क्या होता है आप जानते हो क्या है, यहां पर आप धारा, धारा का एक ऐसा मतलब ऐसा फॉर्मूला लेना है हमको जिसमें ये सारी चीजें, यानी कि एक तो विशिष्ट चालकता आ रही हो, एक धारा आ रही हो, चलिए विशिष्ट चालकता हम जानते हैं, विशिष्ट चालकता बराबर वन अपॉन रो, ये होती है, ठीक है। अब रो का फॉर्मूला क्या होता है, रो रो बराबर क्या होता है भाई, रो बराबर आप जानते हो क्या है, रो का जो पुराने वाला फॉर्मूला था ई अपॉन वी, ई अपॉन सॉरी ई अपॉन जे था, ई अपॉन जे, ठीक है, ये जे ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, जे अपॉन ई आ जाएगा, और ये सिग्मा बराबर आ गया, तो जे का मान निकालेंगे, जे बराबर हो जाएगा सिग्मा ई, ये चीज आ जाएगी आपकी, ठीक है, ये आ गया, ये तो हो गया आपका धारा घनत्व तथा वैद्युत क्षेत्र, और इसका सदिश रूप क्या हो जाएगा, सदिश रूप, क्योंकि ये जे क्या है आपका सदिश, सदिश है, सिग्मा अदिश है, और ये भी आपका सदिश है, तो इस तरीके से आ जाएगा। यहीं से हम ये जे बराबर सिग्मा ई है, यदि मैं J को क्या लिख सकता हूँ, I अपॉन A लिख सकता हूँ, तो ये सिग्मा E हो जाएगा, तो I बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा E A, ये आ जाएगा, ये है आपका, ये आपकी विशिष्ट चालकता हो गई, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और ये चालक का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल हो गया, ये आपकी धारा हो गई I, तो धारा और विशिष्ट चालकता में संबंध ये हो गया, और धारा घनत्व और विशिष्ट चालकता में संबंध ये हो गया। ये न्यूमेरिकल्स में काम करेंगे कि न्यूमेरिकल्स में कौन सी चीज आपको दे रखी है, कौन सी चीज हमको लगानी है, समझ में आ गई बात, तो ये न्यूमेरिकल्स के लिए फॉर्मूले बनते जा रहे हैं, तो इसलिए इनको याद रखिएगा, ठीक है, चलिएगा। तो बाकी आपका कुल कोई मतलब टेंशन की बात है नहीं, चलेगा। तो आज का वीडियो बस यहीं पर समाप्त करते हैं, छोटा सा वीडियो था, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, चलिए।